बिहार में 3 दिन के अंदर जहरीली शराब 66 लोगों की जिंदगी लील चुकी है। इनमें से अकेले 61 मौतें छपरा में हुई है। सिवान में भी 5 लोगों की जान चली गई। एक बार फिर बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठने लगे हैं। शराब कांड के दौरान राज्य और देश की सियासत भी गर्मा गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में दिए गए एक बयान ने मामले को और हवा दे दी। दरअसल नीतीश ने कहा कि शराब पीकर जिन लोगों की मौत हुई है उनसे कोई भी हमदर्दी नहीं, जो पिएगा वो मरेगा। अब विपक्ष बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर हमलावर हो गया है। देश के कितने राज्यों में शराबबंदी है और देश के किन राज्यों में शराब से कितनी मौतें हुई हैं? जहां शराबबंदी है वहां शराब कैसे बिक रही है? शराब लोगों तक कैसे पहुंचती है? आपके मन में उठने वाले इस तरह के सारे सवालों का जवाब हम देंगे। शराब से किस राज्य में सबसे ज्यादा मौतें? 2021 में जहरीली शराब के चलते देश भर में 782 लोगों की मौत हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 137 लोगों की मौत हुई, वहीं पंजाब में 127, मध्य प्रदेश में 108, कर्नाटक में 104, झारखंड में 60 और राजस्थान में 51 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बीच 2020 में देश भर में कुल 947 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 214, झारखंड में 139, पंजाब में 133, कर्नाटक में 99 और छत्तीसगढ़ में 67 लोगों ने दम तोड़ दिया। 2019 में जहरीली शराब से 1296 लोगों की मौत हुई। इसमें सबसे ज्यादा कर्नाटक में 268, पंजाब में 191, मध्य प्रदेश में 190, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 115, असम में 98 और राजस्थान में 88 लोगों ने जान गंवाई। 2018 में जहरीली शराब से देश भर में कुल 1365 लोगों ने जान गंवाई थी। इसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 410, कर्नाटक में 218, हरियाणा में 162, पंजाब में 159, उत्तर प्रदेश में 78, छत्तीसगढ़ में 77 और राजस्थान में 64 लोगों की जान चली गई थी। 2017 में कुल 1510 लोगों ने जहरीली शराब पीकर जान गंवाई थी। इसमें कर्नाटक में 256, मध्य प्रदेश में 216, आंध्र प्रदेश में 183, पंजाब में 170, हरियाणा में 135, पुडुचेरी में 117, छत्तीसगढ़ में 104 की मौत हुई थी। अब आपको बताते हैं शराबबंदी वाले राज्यों में साल दर साल कितनी मौतें हुई। गुजरात, यहां 2020 में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हुई थी। 2019 में 3, 2018 में 1, 2017 में 11 और 2016 में 25 लोगों ने जान गंवाई थी। बिहार, जहरीली शराब पीने से 2020 में 6, 2019 में 9, 2018 में 0, 2017 में 0, 2016 में 6 लोगों ने जान गंवाई थी। मिजोरम, यहां जहरीली शराब पीने से 2020 में 1, 2019 में 0, 2018 में 2, 2017 में 7 और 2016 में 10 लोगों की मौत हुई थी। नागालैंड, यहां जहरीली शराब पीने से 2020 से 2016 तक के बीच केवल 2017 में ही एक शख्स की मौत हुई। लक्षद्वीप, असल शराबबंदी का असर यहीं दिखाई देता है। यहां 2020 से 2016 के बीच किसी की भी शराब की वजह से मौत नहीं हुई। अब आपको बताते हैं आखिर रोग के बावजूद कैसे मिलती है शराब। बिहार समेत कई राज्यों में शराबबंदी के बावजूद हमेशा शराब की बरामदी के मामले सामने आते हैं। कई जगह प्रशासन के अनदेखी के चलते धड़ल्ले से शराब बिकती है। कई जगह अधिकारियों की अनदेखी इसकी बड़ी वजह है। कुछ जगह तो अफसर और नेताओं भी इसमें सेंधमारी लगाते हैं। इनकी वजहों से बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी का कोई मतलब नहीं। दिखावे के तौर पर चंद लोगों पर तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन अफसर और नेता हमेशा बेदाग रहते हैं। बिहार में तो यूपी और झारखंड दोनों बॉर्डर से शराब की तस्करी होती है। राज्यों की सीमा पर कुछ जगह तो सख्त इंतजाम है, लेकिन कई ऐसे पॉइंट है जहां तस्करी को रोकने की कोई खास व्यवस्था नहीं है।